नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। बात करते हैं जुलाई के महीने में नवग्रहों के गोचर का, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल देव से। जुलाई के महीने में मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान होकर वृश्चिक राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसे हम भाग्यभाव भी कहते हैं। इस भाव में मंगल देव स्थित होकर तृतीय भाव पराक्रम भाव को उच्च दृष्टि से देखेंगे, जो आपके जोश ऊर्जा उत्साह और मनोबल को उच्च का बनाएगा। इस गोचरीय स्थिति में आप भाग्य से ज़्यादा बाहुबल मेहनत और पराक्रम पर विश्वास करोगे। वृश्चिक राशि के लिए मंगल देव छठे भाव के स्वामी भी होते हैं, जो लड़ाई झगड़े वाला भाव होता है, इसलिए मंगल का प्रभाव आपको झगड़ालु प्रवृत्ति का बनाएगा। धर्म के प्रति भी कुछ बेरुखी रहेगी। नीच के मंगल देव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि जनता के साथ बहस एवं वाद विवाद का कारण बन सकती है। जमीन जायदाद संबंधी क्रय विक्रय सावधानी पूर्वक करें। मंगल देव की द्वादश भाव पर दृष्टि व्यर्थ के व्यय के कारण परेशानी देगी। दोस्तों नीच के मंगल देव पर चंद्र लगन से बृहस्पति देव की उच्च दृष्टि पड़ रही है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में बुद्धिमता और रब्बी ताकत देगी। दोस्तों नीच के मंगल देव के साथ लाभ भाव के स्वामी बुध देव भी नवम भाव में गोचर करेंगे, जो आपको अपने बड़े भाई और मित्रों से लाभ के योग बनाएंगे। परंतु बुध देव पर नीच के मंगल के प्रभाव से आप क्रोध और आवेश में जल्दी से आओगे एवं आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट पैदा होगी। दोस्तों बात करें ग्रहों के राजा सूर्य देव की, तो वह वृश्चिक राशि के लिए दशम भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में 17 जुलाई तक राहु और शुक्र के साथ गोचर करेंगे और द्वितीय भाव से बकरी शनि देव के साथ सूर्य देव का दृष्टि संबंध बनेगा, इसलिए सूर्य देव की गोचरीय स्थिति कुछ निराशाजनक है। सूर्य देव मान सम्मान पिता सरकार राज्य कार्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं। सूर्य देव की इस गोचरीय स्थिति में आपकी मान सम्मान में हानि हो सकती है, पिताजी की तरफ से कोई परेशानी के योग बनेंगे। इस ग्रह गोचर में सरकारी क्षेत्र से भी सावधानी पूर्वक रहें। दोस्तों जुलाई के महीने में आपको शुक्र देव का कुछ सहयोग प्राप्त होगा। अष्टम भाव में शुक्र देव के आशीर्वाद से आपके धन और कुटुंब सुख में वृद्धि होगी, भोग विलासी प्रवृत्ति रहेगी, स्त्री से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शुक्र देव पर राहु का प्रभाव आपको रास्ते से भटकाने की ओर प्रेरित कर सकता है, परंतु आपको दाम्पत्य जीवन के प्रति निष्ठावान बने रहना होगा। 17 जुलाई को सूर्य देव अष्टम भाव और मिथुन राशि से प्रस्थान कर नवम भाव में बुध और नीच के मंगल के साथ युति में गोचर करेंगे। पिछले गोचर में अष्टम भाव में सूर्य देव की जो स्थिति निराशापूर्ण बनी हुई थी, अब इस गोचर में सूर्य देव का स्थिति में कुछ सुधार होगा। नवम भाव में बृहस्पति देव की उच्च दृष्टि सूर्य देव पर पड़ने के कारण खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। नवम भाव में सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी। इस योग के फलस्वरूप सुख धन यश और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कड़े परिश्रम और बौद्धिक क्षमता से सफलता अर्जित करोगे। दोस्तों 23 जुलाई को शुक्र देव भी अष्टम भाव और मिथुन राशि से प्रस्थान कर नवम भाव में बुध मंगल और सूर्य देव के साथ युति में गोचर करेंगे। नवम भाव में शुक्र देव का गोचर शुभ फल देने वाला होगा। अब शुक्र देव के गोचर से भाग्य भाव में मजबूत स्थिति आएगी, मेहनत पराक्रम के साथ भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। लाभ के स्वामी बुध और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की युति से स्त्री पक्ष और पार्टनर के माध्यम से भाग्य वृद्धि और लाभ के योग बनेंगे। अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर की यात्रा करोगे। दोस्तों जुलाई के महीने में शुभ फल प्राप्त करने के लिए धर्म पर अपनी श्रद्धा रखें और हनुमान जी की उपासना करें। धन्यवाद।